कश्मीर के कुलगाम जिले में दो स्थानों पर इनकाउंटर के बीच रविवार सुबह राजौरी में सेना के कैंप के पास कई राउंड गोलियां चली थी। इसके बाद सेना के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो लगातार दूसरे दिन भी जारी है। घटना रविवार सुबह जिले के मंजाकोट इलाके में हुई थी। फिलहाल सेना के जवान मंजाकोटी सेक्टर में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जवान पूरी मुश्तैदी के साथ हथियार पर हाथ जमाए तलाशी अभियान में जुटे हैं, जिससे किसी भी तरह की संदिग्ध स्थिति से निपटा जा सके और इलाके में छिपे आतंकियों का पता लगाकर उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा सके। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सेना के दो जवान शहीद हो गए थे, जबकि सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। इससे पहले सेना को 2 अलग अलग जगहों पर आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। इसके बाद सेना ने आतंकी विरोधी अभियान चलाया था। इस दौरान ही सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल स्थापित होने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या में काफी हद तक वृद्धि हुई है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पर्यटकों की बढ़ती संख्या आतंकियों को रास नहीं आ रही। ऐसे में बीते कुछ समय में आए दिन घाटी में आतंकी हमलों की खबरें आ रही हैं। रियासी जिले में 9 जून को शिवखोड़ी के श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। इसमें बस के चालक समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ महीने पहले उधमपुर जिले के ही एक और पहाड़ी क्षेत्र डूडू बसंतगढ़ में भी आतंकियों ने हमला किया था। वहीं कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जयपुर के 2 पर्यटकों को भी गोली मारकर घायल कर दिया था।